मेयर का बदलाव चाहेंगे। मेयर बदलना है, मेयर बदलना है। बदलने के बाद क्या कुछ ठीक करा दिया? बहुत बढ़िया करेंगे, ये जो मेयर बनेंगे अच्छे काम करेंगे। बदलाव चाहिए। हाँ, इस बार बदलना है। बदलना है तो क्यों बदलना है और क्या है कि समाज को सेवा करना चाहिए ना, तो समाज को सेवा नहीं करते हैं लोग। क्या कराएंगे, क्या करेंगे? रोड बनाएंगे, सब बढ़िया से व्यवस्था होगा। बच्चा लोग के पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, कॉलेज में एडमिशन में भी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रही है नहीं, मौसम के साथ साथ बदलाव जरूरी है। लेकिन बदलाव यही करवाना चाहते हैं कि हम लोग की जो अपना इच्छा हो उसको अगर पूरा करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आगे देखिए 30 तारीख को पता चलेगा। हम बदलाव चाहते हैं कि नया बैठे, नया अथी करे कि नया है। बदलाव चाहते हैं कि गरीबों के महिला के जरिए मनी देख सुन करे बढ़िया से। अब कहा चाहते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, पहल को कर रहा था, ऐसा बात नहीं है। बदलाव वही चाहिए कि हम लोग का जो इच्छा है वो पूरा होना चाहिए। जैसे में कचरा साफ होना चाहिए, रोड का सफाई होना चाहिए, यही सब हम लोग को चाहिए। परिवर्तन चाहिए, और क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दूं कि नगर निकाय चुनाव 2022 का आज दूसरे चरण का मतदान होना है। ये भी बता दें आपको कि आज मतदान पूरे 23 जिले में हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें पहली बार जनता अपनी पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर एक साथ चुन सकेगी। बता दूं आपको कि उन लोगों को एक साथ मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद चुनने का मौका मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं आज सुबह से ही मतदान हर केंद्र पर जारी है। बता दें आपको कि 23 जिले में दूसरे चरण का मतदान जारी है, लोग वोट दे रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि वोट देने के बाद जो भी मेयर चुनेंगी तो उनसे उनको क्या कुछ बदलाव चाहिए, क्या कुछ की कमी है जो उन्हें पूरी कराना है। बताइए सर, आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया मैंने। तो अभी जो आप मेयर चुनने वाले हैं तो उनसे आपको क्या बदलाव चाहिए? बदलाव क्या चाहिए? हमारे लोकल जो इश्यूज हैं, साफ सफाई वगैरह, यही सब चाहिए। इसे ज़्यादा हम नहीं उम्मीद करते। क्या क्या है? साफ़ सफाई, डेंगू वगैरह का प्रॉब्लम ना रहे, छिड़काव सही समय पे हो, यही सब चीज़ें हैं। शिक्षा व्यवस्था ठीक है इधर की? शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में तो होती नहीं कि वो शिक्षा व्यवस्था करेंगे, वो विधायकों और मंत्रियों के हाथ में है, तो वो चीज़ सोचना बेकार है उसमें। तो फिर भी एक पहल तो की जा सकती है। पहल की जा सकती है, उनके हाथ में है ही नहीं तो क्या पहल करेंगे? बात ले जाकर पहल करा सकते हैं आप। वो नहीं कर सकते ना, मुझे मालूम है ना। तो साफ सफाई और, हाँ, वही इशू है। हम इस बार क्या आपको बदलाव चाहिए, मतलब जो पहले से मेयर है उनको बदलना है या फिर आप लोगों की जो पहले से उनको ही रखना है? वो तो वो क्लियर करना हो गया कि बदलना है नहीं, वोट दिया है किसको दिया है, अगर अगेंस्ट में बोल, वो नहीं बता सकता मैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों में वोट जारी है। बताइए, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिए हैं। तो इस बार जो मेयर के लिए आपने दिया है तो किस क्या पहल चाहेंगे? हम तो मेयर का बदलाव चाहेंगे। मेयर बदलना है। तो बदलने के बाद क्या कुछ ठीक करानी है? बहुत बढ़िया करेंगे, ये जो मेयर बनेंगे अच्छे काम करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों को है कि वोट करानी है और किस तरीके से अब चुनावी और भी लोगों से जानते हैं। और बताइए, वोट दे दिया? वोट दे दिए हैं। बदलाव चाहिए। हाँ, इस बार बदलना है। तो क्यों बदलना है और क्या है कि समाज को सेवा करना चाहिए ना, तो समाज को सेवा नहीं करते हैं लोग। सेवा में क्या कराएंगे आप? क्या करेंगे? रोड बनाएंगे, सब बढ़िया से व्यवस्था होगा। बच्चा लोग के पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, कॉलेज में एडमिशन में भी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रही है नहीं। बताइए, वोट दे दिया आपने? वोट तो दे दिए हैं। बदलाव चाहिए। अब मौसम के साथ साथ बदलाव जरूरी है। तो बदलाव जरूरी, लेकिन क्या बदलाव करवाना चाहिए? बदलाव यही करवाना चाहते हैं कि हम लोग की जो अपना इच्छा हो उसको अगर पूरा करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आगे देखिए 30 तारीख को पता चलेगा। तो क्या बदलाव में, जैसे कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति खराब है? स्थिति को उतना खराब नहीं है, जो चाहिए उतना खराब नहीं है, स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ चाहिए। जैसे बच्चा लोग को बहुत दिक्कत पड़ता है, बच्चों को दिक्कत करना पड़ता है। क्या दिक्कतें आती हैं? अब गार्जियन हम जाते हैं स्कूल में तो बहुत तरह के बात बोलते हैं कि ये चीज़ लाओ, फलना चिलना। अब जब जाते हैं तो कहता है कि वहाँ जाओ, ऑनलाइन हो रहा है, तो फलना चिलना, बहुत तरह की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है, देख सकते हैं आप। चाची, आपने वोट दे दिया?
हम वोट दे बदलाव चाहेंगे। हम बदलाव चाहते हैं कि नया वाइट है, नया अथी करे कि लाइक हाँ हाँ नया है। बदलाव चाहते हैं कि गरीबों के महिला के जरिए मनी देख सुन करे बढ़िया से। अब कहा चाहते हैं तो उनमें ये सारी चीजें नहीं होती। नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, पहल को कर रहा था, ऐसा बात नहीं है। बाकी अब जर मनी बच्चन के है, जर बूढ़ी के है, मने कि देख सुन ये सब कर सकते हैं। सरकार बने कोई बने, बाकी कर सके गरीब। अच्छा, के क्यों बदलाव चाहिए आपको? हमको यही हेल्प चाह रहे हैं गरीब के कि हेल्प करे, रोड बने, बाथरूम बने, एथी कहले ये सब चल रहे हैं, रोजी रोटी चले। आप लोग से यही हम वोट देने आए हैं सरकार के कि वोट लेके गरीबों के देखो, जरी महिला के देखो, यही ना हम करें। शिक्षा सड़क रख रोड के लिए, सब चीज़ के लिए। अब कोई जीत जाता नहीं करते, हम कहना चाहिए। हाँ हम तो वोट दे दिए, वैसी मैंने गरीब के देखना चाहिए, महिला के देखना चाहिए, महिला के तरफ से अथी होना चाहिए, कोई भी जीते। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों में सुबह से आज ही मतदान जारी है, लोगों को बदलाव चाहिए, नई नई उम्मीद के साथ लोग जो हैं वो वोट दे रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। बताइए वोट दे दिया? बताइए वोट दे दिया? नहीं अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया है, जब देंगे तो आप क्या चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? हाँ जरूर। क्या बदलाव चाहिए? हर समय बदलाव चाहिए, हर समय बदलाव चाहिए। हाँ जो आएगा जो काम करेगा, जो आएंगे वो अच्छा काम करेंगे। हाँ और क्यों चाहिए बदलाव? बदलाव चाहिए कि कुछ भी हो बेहतर हो, हर आदमी बेहतर चाहता है अपना। तो बेहतर में क्या क्या आपको? बेहतर में शिक्षा हो गया, गली हो गया, मोहल्ला हो गया, रोजगार हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में ये जा रही है। बताइए आपने वोट दे दिया? हाँ वोट दे दिया। बदलाव चाहिए? नहीं उसमें पर्सनल कमेंट नहीं है, उसमें पर्सनल कमेंट नहीं मांग रहे हैं हम, बदलाव चाहिए बस इतना। नहीं वोट दिया है, वोट दिया है। देखा आपने कि लोगों में किस तरीके से बदलाव को लेकर, और कुछ लोगों का मानना है कि पर्सनल कमेंट नहीं दे सकते हैं, तो वोट जारी है। और लोगों आज बता दूं आपको कि आज दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से जारी है, 23 जिलों में मतदान जारी है, लोग वोट दे रहे हैं और मेयर बदलना भी चाहते हैं, नहीं भी बदलना चाहते हैं, जिसमें लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बदलाव कराना। मैं आपको दिखा दूं कि आज सुबह से ही कर कराती हुई ठंड है, इस ठंड में भी लोग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट दे रहे हैं। मैं आपको यहां का नज़ारा दिखा सकती हूँ किस तरीके से वोट जारी है। आइए चलते हैं हम और भी लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से बदलाव चाहिए। बता दूं आपको कि दूसरे चरण के राज्य में 23 जिलों में मतदान हो रहा है। इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 39 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस चरण में 68 निकाय में 68 मुख्य पार्षद, 68 उप मुख्य पार्षद और 1529 वार्ड पार्षद पद के लिए आज वोटिंग होगी। बता दूं कि नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में पटना में मतदान जारी है, बिहार में भी जारी है। बता दूं आपको कि सुबह से घर कर आती हुई ठंड है और इस ठंड में भी लोग बूथ पर पहुँच रहे हैं, वोट देने जा रही हैं। हाँ अभी आई हैं। हाँ अभी। क्या बदलाव चाहेंगी? बदलाव वही चाहिए कि हम लोग का जो इच्छा है वो पूरा होना चाहिए, जैसे में कचरा साफ होना चाहिए, रोड का सफाई होना चाहिए, यही सब हम लोग को चाहिए। परिवर्तन चाहिए और क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था? हाँ सब चीज़ चाहिए उसमें। हाँ शिक्षा व्यवस्था चाहिए, सड़क, हर एक चीज़, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग को वो सब सॉल्व होना चाहिए, होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों में इस बार बदलाव का मुद्दा जारी है। सड़क नाली और शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। हो गया सर, बहुत। इस बार का मुद्दा क्या है? देखिए नगर निगम में तो मुद्दा में भी बेसिक अगर देखा जाए तो साफ सफाई, आपका तो 2017 का जो हाल हुआ था हमारे पटना का बारिश से, वो सब बचाना, लेकिन ये सरकार विफल रही है, कोई मुद्दे पर ही विफल रही है। हमारा शिक्षा ये उनका काम नहीं है। आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग नहीं, प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं सब ने शिक्षा का मुद्दा उठाया है। मैं पूछता हूँ ये कि शिक्षा का मुद्दा है कहाँ? आपके एजेंडा में है, आपके नगर पालिका में ये लिखा हुआ है कि हम शिक्षा मुहैया कराएंगे, लेकिन एक साथ तीन की चुनाव है ना, मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद, लेकिन तीनों के लिए सबसे मेन मुद्दा साफ सफाई का है, लेकिन किसी कंटेस्टेंट ने ये मुद्दा नहीं उठाया है। आप देख लीजिए किसी भी बैनर पे, कोई कहते हैं होल्डिंग टैक्स माफ करेंगे, कोई कहते हैं कुछ करेंगे। अरे कैसे कर दोगे भाई, बिहार उसी पे टिका है, बिहार उसी पे टिका है। नीतीश बाबू के पास कोई ऑप्शन नहीं है पैसा लाने का कहीं बाहर से।
आप समझ सकती हैं, इसीलिए परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन चाह रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं चाह रहे, सब कोई चाह रहा है। साफ सफाई के साथ साथ और क्या परिवर्तन? देखिए, पटना को अमेरिका अगर बनाना है तो हम लोग को भी जागरूक होना होगा। सिर्फ वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर के जागरूक होने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री का भी अभियान पटना में भी चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, जो कि ऐसा तो नहीं। देखिए, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, मैं प्रधानमंत्री को दोषी नहीं दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कुछ दिनों तक ये योजना चलता है, उसके बाद हम लोग भी भूल जाते हैं और आप लोग भी भूल जाते हैं। तो उसको पटल पे लाने के लिए हम लोग को मेहनत करना होगा, और ख़ास करके जो मेयर चुने जाएंगे उनको दिन रात मेहनत करना होगा। बिल्कुल, देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों में परिवर्तन का दौर जारी है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। ठीक है, बताइए इस बार का क्या मुद्दा है आपका? अभी तो वोट देने आए हैं। हाँ, तो देंगे तो? हाँ, देना है तो। क्या मुद्दा रहेगा आपका, क्या कुछ ठीक करवाना है आपको? आप देखिए, जो जितने के ऊपर ना है, जितने के ऊपर है जी। तो अगर आपको बदलाव चाहिए तो क्या चाहिए, क्या कुछ व्यवस्था जो यहाँ ठीक नहीं है जो आपको ठीक करानी है? अब लोग वही लोग जाने ना, अब नाली है चाहे सड़क है, ये सब हाँ जी, ये सब ठीक नहीं करना चाहिए, ये सब ठीक जी। तो आप देख सकते हैं कि इस बार का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा सड़क, नाली और शिक्षा को लेकर आ रहा है। जिस तरीके से बता दें कि बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है, सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है, कड़कड़ाती हुई ठंड में भी लोग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपनी वोट को जारी कर रहे हैं। बता दूं मैं आपको कि नगर निकाय चुनाव कुछ कारण टल गया था, नहीं हो पा रहा था, जो शुरू हो चुका है, और पहले चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है, और आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज सुबह से ही जारी है। बता दूं मैं आपको एक बार फिर से कि बिहार के 23 जिले में मतदान आज सुबह से जारी है। बता दें कि हम पटना में हैं और पटना में भी आज सुबह से मतदान जारी है, लोग बूथ पर पहुंच रहे, वोट दे रहे हैं, कड़कड़ाते हुए ठंड में भी लोग पहुँच रहे हैं, और मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद के लिए एक साथ इस बार जनता को चुनने का मौका मिला है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बता दें मैं आपको कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता जो है अपनी वार्ड पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो एक साथ कर सकेगी। बता दूं कि मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात की है, लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद है बदलाव को लेकर, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, तो कुछ का कहना है कि जो भी मुद्दा है वो ठीक तरीके से हो, सारा चुनाव ठीक से हो, जो भी जीते वो अपने काम को काफ़ी अच्छे से करें। तो मैंने अभी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया किस तरीके से लोगों में उम्मीदें हैं और किस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अपने जो भी जीतेंगे उनसे उनको अच्छा मिले। तो ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के साथ मेरे साथ बने रहे NBC 24 पर।